संत कबीरनगर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी जय चौबे के पक्ष में जनाधार जुटाने के मकसद से जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव अपने समर्थकों के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव और उनके समर्थकों की माने तो सूबे में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है और जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव और उनके समर्थकों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने, देखिए। समाजवादी पार्टी की साइकिल को रफ्तार देने के मकसद से जिला पंचायत अध्यक्ष संत कबीर नगर बलराम यादव और ब्रजेश सिंह सहितवार जो है क्षेत्र में जनाधार जुटाने की कोशिश में हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इस समय चुनाव नज़दीक है और आज समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति मानते हैं। बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। क्या मानते हैं, चुनाव नज़दीक है, किस तरह की कैंपेनिंग है? चुनाव एक तरफा हो गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लहर चल रही है। पश्चिम से आप देखिए, पूरी एक लहर चल रही है। आम जनमानस से ले कर पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को भरी निगाहों से देख रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन, और हर लोग अखिलेश यादव को सुनने के लिए अपार जन समर्थन और एकदम माहौल बन गया है कि हमको अखिलेश यादव को चुनना है, एक बदलाव चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे बसपा जो है मुस्लिमों के बीच ज़्यादा घुसपैठ कर रही थी, सपा की क्या रणनीति हुई कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ने लगा दिन प्रतिदिन? क्या यहाँ पे मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ है और भारी समर्थन मिल रहा है। आप जगह जगह जा रहे हैं, आपको भी पता है, और यहाँ कहीं कोई बंटवारा नहीं है, सब अखिलेश यादव जी को पोल करने जा रहे हैं। यादव का कुछ रुझान झालू की तरफ मिल रहा है? यहाँ पे रुझान सब ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 तारीख को आ रहे हैं और सभी का रुझान हम लोगों के साथ, सभी लोग चल रहे हैं, जो भी पार्टी के संगठन के लोग हैं वो लोग जा रहे हैं, अखिलेश जी की नीतियों को सबके आगे रख रहे हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। ब्रजेश सिंह सहितवार जी हमारे साथ हैं और उनकी ये ज़मीन है और यहाँ पर उन्होंने पूर्व प्रधान भी रहे हैं। क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है इस बेल्ट में? समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत बढ़िया है इस बेल्ट में, और हम लोग के साथ जैसे कुर्मी बिरादरी के लोग हैं, हम लोग के सहितवार बिरादरी लोग हैं, यादव जी लोग है, ये हैं, सभी लोग साथ चल रहे हैं और साइकिल दिन प्रतिदिन जो है रफ्तार बढ़ती जा रही है। साइकिल की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है खलीलाबाद विधानसभा सीट पर। आप क्या मानते हैं, आखिर साइकिल क्यों ज़रूरी है इस विधानसभा में? आप पिछली सरकार देख चुके हैं और समाजवादी साइकिल की ज़रूरत है इस समय। बेरोजगारी इतनी तेज़ बढ़ चुकी है, साइकिल की रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि लोग नज़र नहीं आएंगे कहीं एक तरफा सरकार बनने जा रही है। आप युवा क्या मानते हैं कि युवाओं के लिए जो है क्या विधानसभा में क्या ज़रूरी है? युवाओं के लिए रोज़गार, जैसे सड़क हुआ, ठीक है, इस मुद्दे पर काम करना ज़रूरी है। और अब की बार अखिलेश सरकार बनेगी तो ये सब काम पूरा हो जाएगा, भारी मजबूत सरकार बनाएगी। तो ये यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि अखिलेश यादव की सरकार जब बनेगी तभी खलीलाबाद विधानसभा का विकास संभव है, और इसी के मद्देनज़र समाजवादियों का जो प्रयास है कि अब की बार जो है खलीलाबाद विधानसभा सीट पर सपा का प्रत्याशी किसी तरह से जीत हासिल करे और अखिलेश यादव की सरकार बने, जिससे कि खलीलाबाद विधानसभा का चुनाव विकास जो है समग्र विकास हो सके। हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर।